वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा के नेतृत्व में दक्षिण अंडमान के तिरूर और कॉलिनपुर गांव की महिलाओं और पंचायती राज प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक राजेश मलिक से पिछले दिनों मुलाकात की। इस मौके पर जारवा आदिवासियों से ग्रामीणों को हो रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस महानिदेशक को बताया गया कि जारवा आदिम जनजाति के लोग बार बार गांव में प्रवेश करके उनकी खेती और बागीचे को नष्ट करते हैं और घरों से वस्तुएं उठाकर ले जाते हैं। दरअसल तिरूर और कॉलिनपुर गांव जारवा आदिवासियों के लिए आरक्षित जंगल से सटे हुए हैं और इसीलिए अक्सर जारवा आदिवासी इन गांव में घुस आते हैं और लोहे के सामान और बाकी अन्य चीजों को लेकर फरार हो जाते हैं। कुलदीप राय शर्मा ने पिछले दिनों छेलाड़ी से 13 वर्षीय लड़के के अपहरण के बारे में भी चर्चा की और तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया।